हेलो एवरीवन, सब्जेक्ट हिंदी, कक्षा तीन, कक्षा तीसरी, पार्ट तीन। आज हम पार्ट तीन करेंगे जिसका नाम है आ ई ई की मात्रा। क्या नाम है? आ ई और बड़ी ई की मात्रा। इनके बारे में हम पता करेंगे कि मात्रा कैसी होती है और इस मात्रा को अगर वर्ण में लगाया जाए तो वर्ण से वह क्या बनती है। तो सबसे पहले आप सभी पार्ट निकाल लीजिए।
तीसरी ना, जो आगे से मात्रा लगाई जाती है की उसे हम छोटी की मात्रा बोलते हैं, जो वर्ण के पीछे से जो मात्रा लगाई जाती है उसे हम बड़ी की मात्रा कहेंगे। तो सबसे पहले हमें मात्रा को ध्यान अच्छे से होना आवश्यक है, ठीक है। तो उसके बाद किरण, किरण के ऊपर आपकी क में एक की मात्रा लगी, इसलिए हमने क्या बनाया, क में की मात्रा किरण। हिरण, किशन, रवि, पार, फिर दिन निकला, चिड़िया आई, किरण उठ, किताब उठा, कविता पढ़, सरिता किशमिश खा, अनिल साइकिल चला। इन सभी में ई की मात्रा का प्रयोग किया गया है, जिसे हम कहते हैं छोटी ई की मात्रा। ई मात्रा लगाकर हमको शब्दों को ध्यान से पूर्वक पढ़ना है। उसके बाद इस तरफ दे रखी है बड़ी की मात्रा। बड़ी की मात्रा जो कि पीछे से लगाई जाती है, वर्ण के पीछे लगाई जाती है, उसे हम कहते हैं बड़ी की मात्रा। कौन सी मात्रा बोलते हैं उसे हम, बड़ी की मात्रा। तो अब हम बड़ी की मात्रा पढ़ेंगे। हरी, तो र में कौन सी मात्रा लगी है इसमें, र में बड़ी की मात्रा लगाई गई है। कौन सी मात्रा लगाई गई है, बड़ी की मात्रा। तो क्या पढ़ेंगे इसे, हरी। प के बाद फिर र में कौन सी मात्रा लगी है, बड़ी की। तो र में ई की मात्रा री, प री। घ के बाद ण, ण में की मात्रा णी, तो हम पढ़ेंगे घ ड़ी। टी र दा दी, द में आपकी मात्रा है तो दा हो, उसके बाद फिर द में फिर ई की मात्रा है तो क्या हुआ, दी। तो दा दी। उसके बाद खीर, वीर, हीरा, लकड़ी, बगीचा, सिपाही, पीपल, शीतल आई, पानी लाई, शीतल आई और क्या लाई, पानी। दीपक, पपीता लाया, गीता खीर लाई, नानी गाड़ी से आई और मीठी लीची लाई। इस प्रकार से आपको मात्राएं, वर्णों में मात्राएं लगानी है और मात्रा लगाकर उन शब्दों को आपको ध्यान पूर्वक पढ़ना है। ऐसे ही आपको हिंदी में पुस्तक पढ़ना आएगी। ये मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया है, समझा है, लेकिन आपको भी घर पे अभ्यास करना होगा। आपको भी घर पे आ की और ई की मात्रा, आ की मात्रा, छोटी की मात्रा और बड़ी की मात्रा, ठीक है। तो आ की मात्रा, छोटी की मात्रा और बड़ी की मात्रा वाले शब्द आपको पढ़ना है और पढ़ने के साथ साथ आपको आपकी फेयर कॉपी में लिखना है। लिखने से आपकी हैंडराइटिंग भी सुधरेगी, तो आपको हैंडराइटिंग अच्छे से लिखना है और आपको ये आ की और बड़ी की मात्रा वाले शब्द आपको पढ़ना है, जिससे आपको की अच्छे से पुस्तक पढ़ना आएगी। अब आगे लिखिए, लिखा है पढ़िए समझिए और लिखिए। 23 पेज में क्या लिखा है, पढ़िए समझिए और लिखिए। इसमें क्या लिखा है, असलम किताब निकालकर पढ़, नीति इधर आ, दादाजी की छड़ी ला, बाजा जा। इसमें आ और ई की मात्रा का प्रयोग किया गया। आप ही से पढ़ोगे तो आपको भी अच्छे से पढ़ना आएगा। उसके बाद प्रश्न नंबर 2, पढ़िए समझिए और लिखिए। जैसा जिसमें दिया गया है कि वर्णों को जोड़ा है, वर्णों को जोड़ने के बाद क्या बन जाएगा, वह शब्द बन जाएगा। प फिर धन, आ की मात्रा है, फिर धन, फिर ल, फिर धन, फिर क्या लिखा है, क। तो पा न क, प में आ की मात्रा को जोड़ा है तो क्या बन गया,
ये चित्र है पपीता का, तो इसमें प लिखा है लेकिन उसके बाद नहीं लिखा है, तो प और ता के बीच में क्या आएगा, क्योंकि चित्र पपीता का है, प पी ता, तो हम प के बाद लिखेंगे पी, और पी में कौन सी प्रमात्रा लग रही है, बड़ी की मात्रा, तो क्या बन जाएगा, जैसे चित्र देखेंगे वैसा लिखा ना, पूरा कंप्लीट करेंगे प पी ता। उसके बाद कौन सा चित्र है इसमें, बकरी का, ठीक है, तो जैसा कि जिसमें बकरी का चित्र दे रखा है वैसे हम इसका नाम लिखें, इसमें ब लिखा हुआ है, क लिखा हुआ है, लेकिन क्या नहीं लिखा है, री, तो र में ई की मात्रा री, ब री, ठीक है। उसके बाद नीचे चित्र दे रखा है तितली का, कौन सा चित्र है, हाँ बिल्कुल सही, तितली का चित्र है, तो इसमें लिखा है ती त। उसके बाद क्या नहीं लिखा है इसमें, री, तो हम यहाँ लिखेंगे ली, तो क्या शब्द बनाएंगे, तो
यहाँ पे हम जैसे दे रखा है न, फिर ये जगह खाली है, उसके बाद म दे रखा है, तो न के साथ हम आ की मात्रा को जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, नाम। उसके बाद दे रखा है त, त और ल दे रखा है, तो हम लिखेंगे त में लगाएंगे ई की मात्रा, तो बनेगा ती त ली, न में पीछे से बड़ी की मात्रा का उपयोग करेंगे। उसके बाद है गजर, उसके बाद हमें दे रखा है गजर, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ग में आ की मात्रा लगाएंगे तो बनेगा गाजर, क्या बनेगा गाजर। उसके बाद उस दे रखा है लकड़, क्या दे रखा है लकड़, तो हम ड़ में कौन सी मात्रा लगाएंगे बड़ी की, तो क्या बन जाएगा लकड़ी। उसके बाद द पावल, तो हम बनाएंगे द में लगाएंगे बड़ी की मात्रा, तो दी पा व ली, क्या बनेगा दी पा व ली, क्यों, क्योंकि हमने द में बड़ी की मात्रा लगाई है तो दी बना, प में हमने आ की मात्रा को जोड़ा है तो पा बना, और ल में हमने बड़ी की मात्रा लगाई है तो ली बना, तो पूरा मिलाकर क्या बनेगा दी पा वली। उसके बाद अगला शब्द है श, फिर न, फिर व, फिर र, लेकिन यह अशुद्ध है, मतलब कि अधूरा वाक्य है, तो हम इसे मात्रा लगाकर पूरा करेंगे। जैसे कि श, श के बाद अगर न में हमने ई की मात्रा लगाई बनाएंगे और व में हमने आ की मात्रा का उपयोग किया तो क्या बना वार, तो पूरा क्या बनेंगे शनिवार। वैसे ही ऊपर लिखा है र, फिर व, फिर व, फिर र, तो व में छोटी की मात्रा और व में आ की मात्रा, तो क्या बनेगा रविवार, तो हम लिखेंगे रविवार।